सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। वह हर व्यक्ति को रोजाना 20 लीटर मुफ्त आरओ वाटर देने की घोषणा की। इसके लिए दिल्ली सरकार झुग्गी बस्तियों और अन्य घनी आबादी वाले इलाकों में पानी के 500 ATM लगाएगी। इसके तहत CM अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को मायापुरी की खजान बस्ती में एक आरओ संयंत्र का निरीक्षण किया और पानी के एक ATM का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि झुग्गी बस्तियों और अन्य घनी आबादी वाले इलाकों में लोगों को आरओ प्रक्रिया से शोधित पेयजल मुहैया करने के लिए पानी के 500 ATM लगाने की दिल्ली सरकार की योजना है। उन्होंने कहा कि ऐसे 4 ATM स्थापित किए जा चुके हैं और पहले चरण में कुल 500 ATM लगाने की योजना है। दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत हर व्यक्ति को रोजाना 20 लीटर मुफ्त आरओ वाटर दिया जाएगा। CM अरविंद केजरीवाल ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को जल बोर्ड की ओर से RFID कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके जरिए वह ATM से प्रतिदिन 20 लीटर पानी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि निर्धारित 20 लीटर के कोटे से अधिक पानी लेने पर 1.6 रुपए प्रति 20 लीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ये ATM उन झुग्गी बस्तियों के पास लगाए जाएंगे जहां पानी की पाइपलाइन नहीं और टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमीर लोगों के घरों में आरओ की सुविधा होती, अब इस सुविधा के साथ दिल्ली की गरीब जनता को भी स्वच्छ जल मिल सकेगा। केजरीवाल और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरओ संयंत्र से शोधित पानी भी पिया। सरकारी बयान के अनुसार खजान बस्ती संयंत्र में 3000 लीटर की 2 टंकी लगाई गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है। दिल्ली के हर घर में साफ पानी पहुंचाने के मिशन में हम पानी के ATM लगाने जैसा अनोखा प्रयोग कर रहे हैं। जहां भी टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है वहां ये ATM लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड सकूर बस्ती कालकाजी और झड़ौदा में पानी के ATM स्थापित कर चुके। परियोजना के तहत विभिन्न झुग्गी बस्तियों के पास 30,000 लीटर क्षमता के 50 आरओ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। CM अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आरओ वाटर के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जल बोर्ड की ओर से रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्ड से हर व्यक्ति रोजाना वाटर ATM से 20 लीटर पानी मुफ्त ले सकेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि खजान बस्ती के निवासियों को ATM से निशुल्क पानी के लिए करीब 2500 कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। खबरी चौखट की रिपोर्ट।